जिले के पश्चिम बैयर रेंज के अंतर्गत ग्राम कौदुल के जंगल में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन वन्य प्राणी भालू फेंसिंग वायर में फंस गया, जिसकी जानकारी लगने पर वन कर्मियों ने भालू का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। बताया जा रहा है कि ग्राम कौदुल का एक व्यक्ति जंगल गया था। उसने देखा कि एक भालू जंगल के फेंसिंग तार में फंसा हुआ है। उसने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जहां सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने देखा कि पश्चिम बैयर रेंज के अंतर्गत लकड़ी कूप में लगी फेंसिंग में एक भालू फंसा है। जिसके पास गाड़ी से जाकर देखा गया तो पता चला कि भालू की गर्दन के बाल फेंसिंग वायर में फंस चुके हैं, जिसके कारण भालू वहां से निकल नहीं पा रहा था। मौके में उपस्थित वन परिक्षेत्र अधिकारी पश्चिम बैयर सामान्य कन्धर्म भट्ट के द्वारा मौके पर उपस्थित जनता को समझाया गया और ग्रामीण को दूर कराया। सिर्फ रेस्क्यू टीम भालू को हैंडल करेगी। फिर रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले वायर को काटा, फिर भालू वहां से नहीं निकला तो फिर देसी तरीका अपनाकर बाल को काटा गया, जिससे भालू वहां से निकालकर जंगल की ओर चला गया। गाड़ी लगा के थोड़ी देर अंदर बढ़ जाते, फिर धीरे धीरे निकलते। वही करना चाहिए, अभी देखते हैं। पहले से बाहर निकल गए वो दोनों एक्सपर्ट हैं, उनको थोड़ा सा अपन फ्री हैंड दो। छोटा पड़ गया, वो उधर चले गए ना।